और उसके बाद मोहम्मद शाह यकूब शहीद रहमतुल्लाह अलैह, फिर मोहम्मद फारूक अब्दुल अजीज शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हम्माद ताहिर शहीद रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना मोहम्मद मुसद्दक रहम उनके बेटे उन्होंने जाने से हाथ रोश किया। ये हमारे दोस्त बाबू थे। मुझे याद है कि मोहम्मद अमीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ये क्रिकेट के बहुत बड़े रक्षे करे थे। हर वक्त उनके हाथ में बैठ होता था और हमारी दावत पे अल्लाह ताला ने उसे तौफीक दी। फिर उसी अल्लाह के बंदे में बैठ और गेंद को छोड़कर एक रन खरीद कर अपने आप को निशानाबाजी में दाव करके जिहाद की असली मेहनत और तरबियत लेकर अफगानिस्तान के सरदार पहाड़ों से होता हुआ कश्मीर के मास्टरात में ट्रेनिंग और तरबियत लेकर फिर वादी के अंदर राज हुआ और सबसे पहले उसने जाने शहर रोज किया। ये हमारे साथ भाई थे जिन्होंने हमारे साथ बैठ का ये प्रोग्राम और प्लानिंग की कि इस मस्जिद को खोलना और खुलवाना चाहिए और हमारी जवानियों का क्या फायदा कि अगर हमारी जवानी जो अल्लाह के दीन अल्लाह की मस्जिद अल्लाह के घर के काम ना आ सकी और हमारी जवानी के होते हुए ये अल्लाह का घर बेआबाद रहा बेराम रहा शराबियों और जानियों की आवाज जा रहा तो हम कल कयामत के दिन अपने परवरदिगार को क्या दुआ देंगे। हमने मिन्नत की जितने चौड़ा मंडी के ऑनर थे उनके पास से हर एक ने दुत्कार दिया इनकार कर दिया कि पहले भी एक मतबा थारा मंडी को खोला गया है लेकिन कोई भी इसके अंदर पाए इस्तेकामत का गुजारा न करता था। तो आप छोटे छोटे बच्चे हो और स्कूल और कॉलेज मदरसों में पढ़ते हो और आपके पुराने पर मनसूबे बड़े ऊंचे ऊंचे हैं और बातें बड़ी बड़ी करते हो गोया छोटी मुंह छोटा मुंह और बड़ी बात। हम जो है आपके साथ काम नहीं कर सकते। आपने मिन्नत की शहादत की एक दूसरे तीसरे चौथे के पास जाते हुए अल्लाह के अल्लाह ताला ने फजल करम किया कि उन्हीं का एक नतीजा तो नौजवान था फैसल का इनाम उसका नाम था उसने हामी बनी और उसने हमें चाबियां दी हमें ताले को खोला इतना इतना ऊपर उसने ऊपर गंध चढ़ा हुआ था और हमने गुजारों के साथ इसे साफ किया जानों को उतारा और बैसिस की हालत की अहले मोहल्ला जानते हैं कि अहले मोहल्ला में से कोई एक बंदा भी नमाज पढ़ने के लिए उतर नहीं आता था। और फिर जब हमने इसका आगाज किया और वहां पे जो हमें मामला पेश आए अल्लाह ताला इलाकारी मुझे गुनाह से बचाए कि हम नमाज के लिए अल्लाह होकर कहते हाँ जीने के बाद के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते और उधर हमारी गद्दरों के ऊपर हमारे जिस्मों के ऊपर पत्थर बरसाए जाते हमें रोड़े मारे जाते ईंटें बरसाई जाती किसी के कंधे पे किसी के सर पे किसी के जिस्म पे कोई ऐसे ही और हम नमाज पढ़ने के बाद फिर ऐलान करते अल्लाह के बंदो हम कोई कुआवा खाना आबाद नहीं कर रहे कोई छुआ खाना आबाद नहीं कर रहे कोई शराब खाना आबाद नहीं कर रहे हम तो वो घर आबाद कर रहे हैं कल क़यामत के दिन अपने परवरदिगार के सामने सुरखरू होने के लिए कि ये अल्लाह के अल्लाह का घर सजदा करने के लिए बना था और आज इसको क्या बना दिया गया है। और तुम जो है हमारे साथ इस कदर अदावत और दुश्मनी रखते हो कि हमें पत्थर मारते हो हम लोगों को अल्लाह के घर की तरफ नमाज की तरफ दीन की तरफ बुलाते हैं सजदों की तरह बनाते हैं लोगों ने महसूस कर दिया कि मस्जिद जिन्नों की मस्जिद है यहां पे जिन आबाद है जो नमाज पढ़ने के लिए जिन
ہوتا انشاءاللہ نبی اللہ نے اس کے کام دے گا تو دیکھنا یہ اگر جن ہے تو یہ جن سارے باپ آئیں گے ہماری راہ کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا پھر اللہ تعالی نے ہمارے بھائیوں کو ہمیں اس کے کام دی انہیں کی جو پسو کو دیکھ کر ہمارے منڈی کے حوال میں میاں فجر علی صاحب رحمت اللہ علیہ مولوی عبدالرحیم اور صاحب علیہ شیر کے وہاں میں مطلب انہوں نے کہا میں اپنی دادی جان کے لیے مسجد بنانا چاہتا ہوں اور میرا ساتھ یہ سارے 11 مہینے کا پلان ہے اس مسجد کو یا تو ختم کر دو یا اس کے بیس سے گھڑا خرید کر کے اس مسجد کو بڑا کرو اور میری دادی اما کے حرام میں شبت کر دو میری دادی نے ہماری اوپر بڑے احسان کیے پھر ہم نے جب وہاں پہ مسجد کا آغاز کیا وہاں پہ بھی کئی تکلیفیں مسائل پریشانیاں دکھ رنگ رنگ ہم رات کو بیشور کی کھدائی کر کے جاتے اور رات کو اہل محلہ اپنے گٹروں کے اندر جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کر کے گٹروں کا سارے کا سارا پانی جو ہے گٹر میں ڈالنے کی بجائے ہمارے بیشور کے اندر بہا دیتے ہم نے استخارا کیا اور استخارے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دل خواب دکھائی دیے اور آواز سے تعبیر کی اور ہمیں بتایا کہ یہ جگہ مسجد کے لیے موجود نہیں ہے اسے تبدیل کر دیا جائے پھر ہم نے دو صحابہ کے مسئلے کے ساتھ محمد طارق بھائی دعوے در میں سننے ہر طرح رات و دن ہمارے ساتھ اس کام میں ساتھ ساتھ ہے پھر آواز ہوتے گئے اور کارواں بنتا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دس مرد جگہ دی ہم نے پھر منڈی کے لوگوں سے اہل علاقہ سے محلے سے جہاں جہاں پہ ہمارا سر سوکھتا ہم نے ان کے ساتھ شامل کی اور پھر یہ 10 بندے جمع کی سارے گرام سے کی سارے 3 لاکھ بھی دیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ نوجوانوں کو لوگ سوچ دے کر جب کام والی لڑائی بندے جگہ کی خریداری کا موقع آیا تو منڈی کے لوگوں اور دوست احباب میں انتظامیہ نے وہ بھی ہمیں ساتھ لے کر 20 کے ساتھ ہمیں سامنے والا پلاٹ جو 5 مرلے کی جگہ ہے 2 مکان ہیں اور ہم پہ کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دے دیے کہ آنے والے وقت میں یہ ہمیں اسکول بن سکتا ہے ڈسپنسری بن سکتی ہے مدرسہ بن سکتا ہے بچیوں کے لیے بھی ہمیں بن سکتا ہے تو کل ہمیں یہ جگہ لینا مشکل ہوگی ہم اس کو جگہ کو خرید لیں تو اس طرح میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور دو صحابہ کے تعاون کے ساتھ اللہ کے خاص فضل و کرم کے ساتھ کیوں جو کچھ بھی ہوتا ہے رب کی توفیق کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ بھی نہیں ہلتا ہم ہماری تو دعائیں تھیں ابتدائیں تھیں کوششیں تھیں کاوشیں تھیں ہم دعا کرتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں اے اللہ یہ تجربے کی میں نے کوششیں تیری بار تیری رضا کے لیے کی ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما تو بھائیو 2006 کے اندر جون کے اندر یہ نئی تعمیر شدہ مسجد بنی اور اس کا افتتاح ہوا اور افتتاح کے بعد ایک سال یا ڈیڑھ سال کے بعد ہم نے یہاں پہ یا 2 سال کے بعد یہاں پہ مدرسے کا آغاز کیا اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات آج دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اس مسجد میں طلباء قرآن مجید حفظ کر کے مختلف وزارت کے اندر تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور فارغ ہو کر مختلف سکول میں مختلف مساجد میں مختلف مدارس میں وہ قرآن و سنت کے نور کو بھی پھیلا رہے ہیں ابھی ان شاء اللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہی اسی مدرسے کا نجمہ تعلیم جو یہاں سے پڑا مدرسے میں گیا اور تقریر اللہ تعالیٰ نے اسے خطاب انداز دیا جس کی ابھی نور سے جانے کے بعد بھی نہیں آئے اور الحمدللہ اسے اللہ تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا ہے آپ انشاءاللہ جی اس کا خطاب بھی سنیں گے اور اس رات میں ہمارے 5 طلباء ناظرا قرآن مجید میں سے جن کا قرآن مجید مکمل ہوا اور 5 طلباء حفظ القرآن میں ہے جن کا حفظ القرآن مکمل ہوا اور الحمدللہ 40 کے قریب حفظ القرآن کے طلباء ہمارے یہاں قاری محمد عثمان صاحب کے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور 60 کے قریب نورانی اور ناظرا قرآن کے طلباء قاری محمد عزیز صاحب کے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں
और पशुओं के करीब तारे बाप हमारे ऊपर टीचर्स के हाथ रहे राजा और तमना की तालीम हासिल कर रहे हैं। 15 या 20 के करीब वो बच्चे हैं जिन्होंने बच्चे निजामी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया है। और इसके साथ साथ इस साल जो है हमारे वफाकुल मदारिस जिसे खासा कहा जाता है और हमारे यहाँ ऐसे की तालीम है, ऐसे की डिग्री उन्होंने मुमताज पोजिशन के साथ हासिल किए 6 बच्चे हैं पिछले साल की इसी तरह। और जिन्होंने नेटर के इम्तिहान के अंदर नुमाया पोजिशन हासिल की है 5 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह के फजल व करम से। तो मेरे भाइयों ये इदारा अरबाब के तआवुन से अल्लाह के खास फजल व करम से ये दीन का अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहा है। और यहां पे कुरान हदीस की तालीम के जरूरत से लोगों को आरास्ता बयान किया जाता है। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे स्कूल एजुकेशन का भी एहतमाम किया है। डॉक्टर मोहम्मद इलाज साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनके जितने तलबा है 18 और 7 ये 25 के करीब तलबा है जिन्होंने मिडिल और प्राइमरी का इम्तिहान मिडिल या मैट्रिक का इम्तिहान अल्हम्दुलिल्लाह दिए हैं, उनकी पोजीशन बनाई गई है इंशाल्लाह ये भी ऐलान किया जाएगा। तो मेरे भाइयों दीन और दुनिया के इतिहास के साथ हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कुरान सुन्नत के लोगों को फैला रहे हैं। आइए हमारे साहब जो है तावुन की तावुन जो है पैसों की शक्ल में नहीं तलब करते। हमारा तावुन आपके साथ ये है कि आप अपने लिए पीछे सबका राज्य से बताए, अपने औलादों को नेक बनाए, अपने औलादों को हाथ से कुरान बनाए, अपने औलादों को भाई कुरान बनाए, अपने औलादों को आमने कुरान बनाए, अपने औलादों को दीन के खातम से भाई गुजार बनाए। जो एक वक्त में मुसलमान रसूल पे अमामत भी करा रहा हो और दूसरे वक्त में सिवा सलाह बनकर लोगों को जो है मैदान जहाद के लिए भी तैयार कर रहा हो। हमारे बात ऐसे है कि हमें हमारे साथ याद आता हुआ है। और मेरे भाइयों मरना तो मुकद्दर है, मरना तो मुकद्दर है, एक दिन दुनिया से जाना है। जाने के बाद अगर हम अपने पीछे आखिरत छोड़ कर आते हैं, हम नालायक औलाद छोड़ कर आते हैं, तो मेरे भाइयों याद रखिए ये औलाद हमारे लिए सबका जाके नहीं बनेगी। और अगर हम चाहते हैं कि हम मरने के बाद आपके पीछे नेकियों के पहाड़ छोड़कर जाए और नेकियों के पहाड़ हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए, तो अपने बच्चों को और बच्चियों को इस इदारे के इंतजार में पूर्व जवाब में है अल्हम्दुलिल्लाह जेब तालीम से हासिल किया जाता है। इसका इंतखाब करके अपने बच्चों को और बच्चियों को इस इदारे में दाखिल करवाकर जो है अपने लिए बेहतरीन सबका जारिया बनाए। अब आपके सामने तलाब उम्मीद के लिए हमारे ही इस इदारा मोहम्मद रसूलुल्लाह का तालिब इल्म मोहतरम अहमद यासी आज इतराम के लिए इतराम होता है। तो आपको शुक्र है अहमद यासी गोल वो तशरीफ लाकर आपको उतराते कुरान मजीद सुनाते हैं। محمودا
إن الله عزيز وغفور.